पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की जा सकती है। उनके करीबी अब ये बता रहे हैं कि इमरान खान चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जो शर्तें उनके सामने रखी गई हैं, अगर वो इमरान खान नहीं मानते हैं तो फिर वही सेना उन्हें मौत के घाट भी उतार देगी। देखिए, इमरान खान को बीते दो दिनों के अंदर दो बड़ी सजा हुई है। उनकी बीवी को भी 14 साल की सजा, वो जो तोशाखाना वाला मामला था उसमें हुई है। एक और मामले में 10 साल की उन्हें सजा हो चुकी है। और अभी बहुत से ऐसे मामले हैं जो इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं, आगे उन पर भी सजा होनी है। लेकिन इन सबके बीच इमरान खान को अगर जिंदा रहना है तो साफ साफ उन्हें कह दिया गया है कि तीन शर्तें हैं, इनमें से किसी भी एक को अगर मान लो तब तो अपनी जिंदगी बचा सकते हो, अगर नहीं मानोगे तो फिर समझो मृत्यु तय है। अब वो तीन शर्तें जो इमरान खान के सामने रखी गई है और इमरान खान को मानना जिन्हें बड़ा मुश्किल भी है, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त जो इमरान खान के सामने रखी गई है वो ये कि भविष्य में वो ना तो चुनाव लड़ेंगे ना किसी भी तरह की राजनीति जो उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है उसमें वो अपना ताल्लुक रखेंगे। ये उन्हें सीधे सीधे कह दिया गया है कि राजनीति में भी आपको कदम नहीं रखना है और सबसे बड़ी बात जनता के सामने आकर माफी मांगनी है। मतलब इमरान खान सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान की जनता के सामने आए और ये कहें कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने घपला किया है, घोटाले किए हैं मैंने और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। और आप समझ सकते हैं पहली शर्त बहुत मुश्किल है। इमरान खान जैसा नेता जो इतना लोकप्रिय था वो उसी जनता के सामने जाए और हाथ जोड़कर माफी मांगे, ये जरा मुश्किल काम है इमरान खान के लिए। अब जो दूसरा उनके सामने दूसरी शर्त रखी गई है वो ये है कि आपको कहीं नहीं निकलना है, अपने घर पर बने रहना है इस्लामाबाद के अंदर और वहीं पर पूरी जिंदगी गुजार देनी है, बची हुई आधी तो जेल में बीतनी है। और ये एक तरह से हाउस अरेस्ट वाला मामला हो जाएगा। इमरान खान घर के बाहर कहीं निकल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, हालांकि बहुत आलीशान उनका घर है और इस्लामाबाद में जिस जगह पर उनका घर है वो भी बड़ा पॉश एरिया है, लेकिन सोने के पिंजरे में रहकर जो तोते का हाल होता है, अगर हाउस अरेस्ट उन्हें कर दिया गया तो फिर ये वैसे ही मामला इमरान खान के लिए हो जाएगा। और जाहिर सी बात है इमरान खान इसे भी कभी नहीं मानेंगे। तो ये दो शर्त हो गई। अब तीसरी शर्त जो इमरान खान के सामने रखी गई है वो ये कि आप तो कभी चुनाव लड़ नहीं सकते, राजनीति में किसी तरह की दखल अंदाजी आपकी हो नहीं सकती, हाँ तीन नाम अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से आप नामित कर दीजिए और ये कह दीजिए कि इन तीनों में से किसी एक को चुन लो। देखिए, पीटीआई चुनाव नहीं लड़ सकती है जो कि पार्टी थी इमरान खान की, जितने विधायक इमरान खान के थे वो अब निर्दलीय कहीं कहीं से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान को ये कहा गया कि अपनी तरफ से आप तीन नाम रख दीजिए। अब आप ये बताइए कि इमरान खान जो खुद गद्दी पर थे पाकिस्तान की और जो ये चाहते थे कि हमेशा वो गद्दी पर बने रहें, अब ऐसे इमरान खान के लिए क्या ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अपनी तरफ से तीन नाम वो दे दें और खुद किनारा वो कर लें। तो तीन शर्तें इमरान खान के सामने, जानकार यही कह रहे हैं कि इन तीनों में से किसी भी शर्त को मानना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है, किसी भी एक का चयन वो कर नहीं पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कि अगर इन तीनों शर्तों को नहीं मानते हो तो फिर हत्या होनी तय है, मौत के घाट उतारा जाना तय है। अब मुश्किल में है इमरान खान।